हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक डाइस कर रहे हैं भाई। कौन सा डाइस? डाइस को पासा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? पासा। एक तो जो घरों में डाइस होती है ना, वो साधारण डाइस होती है। उसके अंदर मतलब कभी भी आप चेक करके देखेंगे तो अपोजिट नंबर्स का सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है भाई। अपोजिट नंबर्स का सम क्या होता है? 7। जैसे कि 1 के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 मिलेगा, 3 के अपोजिट 4 मिलेगा भाई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी डाइस होती है जो मतलब घरेलू नहीं होती, उस पर कोई रंग, कोई कलर, कोई सिंबल, कोई भी नंबर मतलब लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो डाइस का रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई डाइस है, ठीक है, कोई भी। वैसे डाइस टॉपिक जो रहेगा वो केवल 2 ही डाइस पे काम करता है, बाकी जैसे 3 या 4 डाइस बना देते हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाई जाती है। रूल नंबर 1 जो है वो क्या कहता है डाइस के अंदर, जैसे आपने यहां पे कोई नंबर ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 डाइस है। 2 डाइस के अंदर कोई भी नंबर यदि कॉमन नहीं दिखाई देता है आपको, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उसका नियम है कि भाई अंदर अंदर के नंबर यानी 3 जो है वो अपोजिट होगा 4 के, 2 जो है वो अपोजिट हो जाएगा 5 के, और ऊपर ऊपर के भाई 1 जो है वो अपोजिट हो जाएगा किसके? 6 के। इधर से ये मैंने आपको बताया आउटर आउटर वे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये अपोजिट होते हैं, इसके अंदर आपको डाइस दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, या 3 के तल में क्या होगा, या 3 के ऊपर के हिस्से में क्या होगा, या 3 के अपोजिट क्या होगा। उस केस में मैंने आपको बता दिया है अंदर अंदर के, बाहर बाहर के, ऊपर ऊपर के, या नीचे नंबर दे रखे तो नीचे नीचे वाले के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में आपको मतलब ध्यान रखना, जैसे डाइस 2 प्रकार से हो सकती है आपकी। दूसरी डाइस जो है ऐसे हो सकती है, तो 1, 2, 3 और इसके अंदर जैसे 4, 5, 6, तो इसमें भी वही काम है, 2, 4 के, 3, 5 के, 1, 6 के अपोजिट होती है भाई, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, 2 टाइप हो सकते हैं जिसमें ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है या नीचे का भाग दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर आपको रूल यही लगाना है भाई, रूल नंबर 1 था। इसके अंदर क्या हो सकता है, यहां पे कोई सिंबल भी दिए जा सकते हैं। सिंबल जैसे यहां स्टार दे दिया, यहां ट्रायंगल दे दिया, और यहां पे सर्कल दे दिया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहां पे हैश दे दिया, यहां पे एट द रेट दे दिया, और यहां पे मतलब आपको कोई भी नंबर क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो अब बोल दिया जाए क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क के विपरीत 0 हो जाएगा भाई, या सर्कल कह सकते हो आप, ठीक है। अब जो हमारा स्टार है उसके विपरीत क्या होगा, उसके विपरीत एट द रेट हो जाएगा। ट्रायंगल के विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के विपरीत स्लैश जो होता है ये हो जाएगा आपका। ये रूल नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 2। तो रूल नंबर जो 2 है उसमें क्या होगा कि जो आपको डाइस दी होती है ना उसमें कोई एक नंबर क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? कॉमन हो सकता है, जैसे 1, 2, 3 और 3, 4, 5, कुछ भी एक नंबर कॉमन मिल सकता है, जैसे कि मैंने इसके अंदर 3 कॉमन ले दिया भाई। तो इस रूल को आप कैसे फॉलो करेंगे डाइस के अंदर, जैसे आप जो कॉमन नाम है ना दोनों में वो लिख लीजिए 3, और इसमें या तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख लो भाई। क्लॉकवाइज तो लिखेंगे तो 3, 1, 2 लिखेंगे, एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत दिशा में लिखना है तो 3, 2, 1 लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज भाई। फिर यहां पर जो कॉमन है वो इसके नीचे लिख लीजिए, और फिर आप एंटी क्लॉक ही लिखेंगे चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं आप, तो 4 और 5। अब ऐसे लिखने के बाद
फिर आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है भाई। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टू के विपरीत क्या होगा फोर, या फोर के विपरीत क्या होगा टू, वन के विपरीत क्या होगा फाइव, फाइव के विपरीत क्या होगा वन। क्लियर है? इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप कोई भी जैसे दो डाइस और भी दी जा सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है कि क्या है। इसने पूछा भाई दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है कि भाई दो के विपरीत है तो दो उस डाइस में होना चाहिए, वो सिलेक्ट करेंगे आप नंबर एक पे। नंबर दो पे इसका कोई भी एलिमेंट जैसे वन और थ्री है, इनमें से कोई अब ये एलिमेंट उसके अंदर ना हो, ठीक है, जैसे टू जिस डाइस में वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर बात है? अब टू जिसके अंदर है वो रिजेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद फिर मैं बात करता हूं कि कोई भी नंबर इक्वल नहीं था, एक नंबर कॉमन है तो ये रूल लग जाएगा, एक भी कॉमन नहीं है एलिमेंट तो ये रूल लग जाएगा। अब इसके अलावा और इसमें मतलब क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी कि जैसे अब मान लीजिए इसमें मैं मान लिख देता हूं भाई कोई भी 6 7 8 लिख दिया, ठीक है, तो मैं 6 7 8 की बजाय 4 7 8 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 4 7 8। तो 4 7 8 में अब मान लीजिए हमने ये डाइस सिलेक्ट करी थी तो इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया, 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है। क्लियर है? लेकिन अब आपने ये डाइस सिलेक्ट करी तो आंसर यहीं से आ गया, 2 तो वैसे ही दे रखी है। क्लियर है? अब हम जैसे इन डाइस के मुताबिक यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि कोई भी नंबर जैसे ले लेते हैं, हम इसको नहीं लेना चाहते हम किसी कारण से, या हमारे ध्यान में नहीं रहा ये वाला रूल, तो आप इस रूल को फॉलो कर सकते हैं भाई। जैसे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अंदर अंदर वाला नंबर चेक कीजिए भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, चाहे इस रूल को लगा लो और चाहे इसको लगा लो, ठीक है। ये तो आपके पास दो चॉइस बाई चांस बन रही है, एग्जाम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इसी रूल को फॉलो करें। जब ये रूल नहीं लगता है तो ये देखिए आप, ठीक है। इसके बाद अब जैसे यहां पे कोई सिंबल हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, या कलर हो सकते हैं जैसे लाल पीला हरा, तो रूल यही रहेगा, इन सिंबल्स के नाम बदल जाते हैं भाई। जैसे काउंटिंग हो सकती है, एबीसी हो सकती है, कलर्स हो सकते हैं, या कुछ भी मतलब आ सकता है। ये तो रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थ्री क्या कहता है डाइस के अंदर? रूल नंबर थ्री कहता है कि जैसे आपने कोई भी डाइस ली भाई, उसके अंदर कोई दो एलिमेंट मतलब क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे मैं 1 2 3 लिख देता हूं और फिर मैं लिख देता हूं इसके अंदर जैसे 4 3 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, 4 3 2। तो इस केस में आपसे पूछा क्या जाएगा कि भाई 1 के विपरीत बताओ क्या है, 1 के विपरीत क्या होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, सोचने की बात यह रहेगी कि रूल नंबर 1 फॉलो नहीं करेंगे हम इसके अंदर, कारण भाई एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहे हैं, जैसे 2 है इसमें 3 है, ठीक है। रूल नंबर 2 इसलिए फॉलो नहीं करेंगे, ये रूल किसी एक नंबर के कॉमन होने का, किसका है, किसी एक नंबर के कॉमन होने का है, जबकि इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि दो नंबर क्या है, कॉमन है भाई। दो नंबर कौन कौन से, 2 और 3 कॉमन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कॉमन नंबर्स को सर्कल कर लिया ना, उसके बाद जो बच गया ना वो ऑटोमेटिक भाई क्या बच जाएगा, 1 के अपोजिट 4 बच जाएगा, 1 के अपोजिट क्या बच जाएगा, 4। अब इसके अलावा डाइस का कोई रूल नहीं आएगा आपके यहां पे, ठीक है। क्या नहीं आएगा, कोई रूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सोचने की बात है, बिल्कुल एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो अंदर अंदर के, ऊपर ऊपर के, नीचे नीचे के, लेफ्ट लेफ्ट के, मतलब बिल्कुल भारी जो है वो भारी के इक्वल होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल जो कहता है, सेकंड रूल जो हमें बताता है, वो क्या बताता है कि कोई एक नंबर कॉमन होगा और हमें डाइस भी वही सेलेक्ट करनी है जिसमें, एक तो डाइस वो सेलेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वो अक्सर होना चाहिए उसके अंदर। दूसरी डाइस वो होगी जिसके अंदर वो अक्सर नहीं होगा भाई, ठीक है।
ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो अक्सर जिस डाइस में उसको जैसे टू आ गया था तो टू के विपरीत बताना था, इसमें ये रिजेक्ट कर दिया। इसमें भी मान लीजिए टू लिखा होता है इसको भी रिजेक्ट कर देते। फिर हमें दूसरी डाइस कौन सी देखनी है कि जो फाइंड करना उसके अलावा कोई एक एलिमेंट भी जिस डाइस के अंदर मिल जाए उसको सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमन एलिमेंट को आप एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज लिख लीजिए। यदि इसमें एंटी क्लॉक लिख रहे तो इसमें भी एंटी क्लॉक लिखिए, इसमें क्लॉक वाइज लिखो, यानी कि क्या 3 1 2, तो इसमें भी आप 3 5 4 लिखेंगे भाई। अब देखिए 2 के अपोजिट 4 आ गया, 1 के अपोजिट 5 आ गया भाई, क्लियर है। या तो क्लॉक वाइज दोनों के ही क्लॉक वाइज लिखना या दोनों के एंटी क्लॉक वाइज लिखना, ठीक है। अगली डाइस को हमें मतलब बाकी, अब ये जैसे सेकंड नंबर पे दे रखी थी ये डाइस ऐसी, ये केस यहां पे भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 2 को आपको रिजेक्ट करके चलना है, ठीक है। 2 को रिजेक्ट करके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन, हाँ अब इसके अंदर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 7 8 9, अब आप उसके अंदर ये रूल लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको चेक करना है कि रूल नंबर सेकंड यदि फॉलो कर रहा है ना किसी डाइस में पहले, तो आप उसको देखना है, ठीक है। तो उस ये तो तब लगाना है जब रूल नंबर 2 और 3 फेल हो जाता है। अब सबसे पहले चेक करेंगे रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो डाइस सिलेक्ट करिए हमने भाई, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग 2 एलिमेंट किसी डाइस में एज इट इज है क्या, जैसे 2 और 3 है तो ऑटोमेटिक जो बच गया ना 1 4 के अपोजिट हो जाएगा। रूल नंबर 3 चेक किया हमने, ठीक है। फिर वो चाहे 4 डाइस है उसमें रूल नंबर 2 यदि फॉलो कर रहा है तो बाकी डाइस को रिजेक्ट करेंगे। रूल नंबर 2 फॉलो नहीं करता है, ये 3 फॉलो नहीं करता तो फिर 2 की तरफ जाएंगे, कोई एक कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। जब दोनों रूल फेल हो जाते तब इस रूल की तरफ आप जाने का काम करेंगे। तो इन नंबर्स की जगह पे क्या हो सकती है, कोई भी काउंटिंग वगैरह हो सकती है भाई, ठीक है। तो ये आपका मतलब जैसे डाइस का एक टाइप हो गया भाई, इसमें से क्वेश्चन 99% तक आपके कवर हो जाते हैं। इसके अलावा एक केस और बनता है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, फिर मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया 3। अब देखिए एक डाइस में मैक्सिमम कितने फेस होते हैं भाई, 6 फेस होते, 3 तो बन चुके हैं। अब मैं 4 यहां बना देता हूं मान लीजिए, ठीक है। 5 मैंने मतलब मैं यहां भी बना सकता हूं, यहां बना लेते हैं एक बार देखिए, ठीक है 5। अब 6 मेरे पास चॉइस है कितनी, अब सोच के देखिए इनको ऐसे जब आप खड़े करेंगे तो एक ऐसा डब्बा बनेगा जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, जब इनको आप स्टैंडिंग करेंगे तो, ठीक है। इसका मतलब 6 ऊपर आएगा ना, तो ऊपर आएगा तो वो 6 यहां भी हो सकता है, 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 ठीक है। जब विपरीत नंबर बताना है ना, अब इसके अंदर मान लीजिए यूं बोल दिया जाए कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट भाई खुद एक नंबर को छोड़ के उससे अगला यानी 6 आएगा। इसको सोच के देखिए ऐसे खड़ा करेंगे और फिर 6 जो है वो ऐसे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। या 3 के अपोजिट पूछ लिया जाए 2 आएगा, ये दोनों ऐसे खड़े करके देखिए, ठीक है। 4 के अपोजिट पूछ लिया जाए, ये खड़ा तो 4 के अपोजिट 5, यानी एक कॉलम को छोड़ देंगे ना आप तो उससे अगला कॉलम क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है भाई, ठीक है। अब इसके बाद और क्या हो सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर मान लीजिए आप सोचिए कि भाई ये 2 ढक्कन हो जाएंगे ऐसे और एक मैं यहां लगा देता हूं, इसको लिख देते हैं हम 6, ठीक है। तो 6 लिख दिया मान लीजिए या 3 लिख लीजिए, 3 मिसिंग किया है हमने, तो अब 2 तो ऐसे खड़े हो गए, एक इधर लग गया और एक ऊपर आ जाएगा, 1 के अपोजिट अब 3 होगा भाई, यहां पे 1 के अपोजिट 3। अब जो यहां पे आना चाहिए था ना इधर जो खड़ा होगा वो भी मैं यहां लिख देता हूं 6, ठीक है। अब 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 6। सोच के देखिए 1 से 1 तो ऐसे खड़ा हो जाएगा, 3 ऐसे सामने आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों 4 और 5 आ जाएंगे। इस शेप को ये मतलब क्या कर सकते हैं, कहीं भी मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टाइप था। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करेंगे, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डाइस टॉपिक स्टूडेंट हमारा कंप्लीट होता है, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।